बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज 11 अगस्त 2020 एंड डे इज ट्यूसडे। जमात तहा मजमून जनरल साइंस, सबक नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पानी की आलूदगी, ठीक है। खुर्दबीनी हयातियाँ क्या होती हैं, ज़रात में पानी की आलूदगी, सनती मवाद से पानी से पानी की आलूदगी और घरेलू इस्तेमाल से पानी की आलूदगी और इनको कम करने के तरीके। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 96 से। पेज नंबर 96 यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पानी की आलूदगी। पानी बेहतरीन महदर है और इसमें मादनियात और नमकियात जैसे बेशुमार मरतबात और मुफरात शामिल होते हैं या हल हो जाते हैं। अगर पानी में ऐसी अशिया हल शुदा हों जिनकी मौजूदगी दीगर जानदारों और इंसानों की सेहत के लिए मज़र हो तो इसे आलूदा पानी कहा जाता है। पानी को आलूदा करने वाले अवामिल दर्ज हैं। सबसे पहले खुर्दबीनी हयातियाँ। आलूदा पानी में शामिल वायरस या बैक्टीरिया के बायस टाइफाइड, हैजा और पेचिश जैसी मुमूरी या मोजी बीमारियाँ होती हैं। इन सब की बड़ी वजह गंदे पानी का आब रसानी की पाइपों के जरिए दाखिल हो जाना है। ज़रात के बायस पानी की आलूदगी, जड़ी बूटियाँ मारने वाली दवाएँ, खाद और गोबर वगैरह खेतों में इस्तेमाल होते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदार होते हैं। दीगर हवानात को भी ये नुकसान पहुँचाते हैं। इनमें से बाज मसलन डीडीटी माहौल में डिकम्पोज नहीं हो सकती, लिहाजा ये फिजा में मौजूद रहती हैं। इनसे पानी आलूदा हो जाता है। अगर फॉस्फेट और नाइट्रेट की मिकदार एक खास तनासब से बढ़ जाए तो ये इंसानों और दीगर जवानों के लिए जहर साबित होते हैं। पानी की आलूदगी की एक और वजह जानवरों का फजला और गोबर है। आम तौर पर यह गोबर दरियाओं, नहरों और नदी नालों में डाल दिया जाता है। संदी मवाद से पानी की आलूदगी, संदी इदारे बहुत ज़्यादा फाजिल मादे खारिज करते हैं। ये फाजिल मादे अमूमन नदी नालों, नहरों, दरियाओं और खुले मैदानों में डाल दिए जाते हैं। इन फाजिल मादों में पारे, कैडमियम, सीसे, क्रोमियम, आर्सेनिक, तांबे और दूसरी धातुओं के मरकबात होते हैं। ये दातें हल शुदा मरकबात की सूरत में आपाशी के पानी में हल होकर ज़मीन में जज्ब होते रहते हैं और आखिरकार ज़मीन पानी में शामिल होकर इसे आलूदा कर देते हैं। इससे बाद सनती शहर मसलन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़े गंभीर मसाइल पैदा हो चुके हैं। घरेलू इस्तेमाल से पानी की आलूदगी, घरेलू इस्तेमाल के पानी को आलूदा करने वाले दो बड़े अवामिल डिटर्जेंट और इंसानी फजला हैं। डिटर्जेंट के बायस पानी में तेजी से एलजी पैदा होती है। जब ये एलजी मर जाती है तो इसकी तजी होने लगती है। तो ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मकदार कम करने का सबब बनती है। इसी तरह जोड़ों में मौजूद आबी जानदार खतरे से दो चार होते हैं। जबकि इंसानी फजले के पानी में हल होकर नदी नालों में जान शामिल होने वाले हैजे, टाइफाइड और पेचिस के जरसीम इस पानी में पहुँच कर इसे आलूदा करते हैं, जिसके पीने से इंसान सेहतमंद नहीं रहता और इन बीमारियों का शिकार होने लगता है। आबी आलूदगी को कम करने के क्या तरीके हैं? फरामी आब के मनसूबों को आलूदगी और मौजूद अवामिल की मिलावट से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। खाद और जड़ी बूटियों मार दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना हो और संदी पानी को बराह रास्त और साफ किए बगैर वाटर सप्लाई की स्कीमों में शामिल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है क्लास, आज हम लोगों ने जो पढ़े हैं पानी की आलूदगी और ये हेडिंग्स तमाम, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको पढ़ना भी और याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ भी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जमात अहम। दिन है आज मंगल का, तारीख है आज 11 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़ रहे हैं होम इकोनॉमिक्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। लिबास क्योंकि इंसान की मुकम्मल शख्सियत का आईनादार होता है और शख्सियत इंसान की बहुत सारी खसूसियात और सिफात का मजमूआ होती है जो किसी फर्द में नुमाया तौर पर मौजूद होती है कि आपके अंदर जो भी खसूसियात मौजूद होती हैं वो आपकी शख्सियत से जाहिर होती हैं। हर इंसान की शख्सियत और मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग बहुत शौक और चंचल होते हैं,
कुछ बहुत खामोश, ड्रामाई और संजीदा होते हैं। शख्सियत वहाँ कैसी हो, इंसान एक दिलचस्प हस्ती का मालिक होता है, इसलिए लिबास का इंतखाब करते वक्त अपनी शख्सियत को मद्देनजर रखना जरूरी है। शख्सियत के दो अहम पहलू हैं, कौन कौन से? शख्सियत नफ्सियाती एतबार से और शख्सियत जिस्मानी एतबार से, यानी कि आपके अंदर जो खूबियाँ वगैरह पाई जाती हैं वो नफ्सियाती और जिस्मानी, यानी कि आपका जो ज़ाहरी ढांचा है वो आपकी शख्सियत जिस्मानी लिहाज से आप कैसे हैं। इसलिए लिबास का इंतखाब करते वक्त इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम शख्सियत की नफ्सियाती एतबार से देखें तो हमें पता चलता है कि उसकी बहुत सारी इकसाम हैं। जैसे सबसे पहले है नाजुक अंदाम शख्सियत, ऐसे लोग देखने में यहाँ इंतहाई नरम नाजिक और नस्वानियत से भरपूर तासरा देते हैं। इनके ख्यालात भी नाजुक होते हैं, वो जिंदगी में नफासत और नजाकत को अहमियत देते हैं। इनके लिए बारीक और नरम कपड़े बहुत मुनासिब रहते हैं, जिसकी तराश तराश रहेंगे, जिसको डिज़ाइन ऐसा हो जो नफासत से हो। हल्के और छोटे प्रिंट की शख्सियत को नुमाया करते हैं, बड़े प्रिंट और शौक रंग वाले कपड़ों में वो खुद को पुरेतबार महसूस नहीं करते। खिलाड़ी शख्सियत, ऐसे लोग आमतौर पर खिलाड़ी होते हैं और अपने आप को भाग दौड़ और ऐसे कामों में मसरूफ रखते हैं जिससे इनको बैठना ना पड़े। वो गहरे और तेज रंग पहनना पसंद करते हैं, मोटे चेकदार फिट लेबरडाइन वगैरह इनकी शख्सियत में उभार पैदा करते हैं। डरावनी शख्सियत, ऐसे लोग बहुत फर्तीले होते हैं, इसलिए इनके लिए शौक रंग और आम डिजाइनों से हटकर कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने मूड के मुताबिक कपड़ों का इंतखाब करते हैं और नए फैशन इंतहाई इत्मीनान से अपनाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। शर्मिली शख्सियत, ये ड्रामाई शख्सियत का 100% तजाद है। ठीक है, अभी आपने को पढ़ाया गया कि जो ड्रामाई शख्सियत होती है वो फुर्तीले होते हैं, लेकिन जो शर्मिली शख्सियत होती है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इस शख्सियत से बात इस बात से खौफ सदा रहती है कि वो किसी जगह भी मर्द से निकाल आ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे डिज़ाइन और फैशन इख्तियार करती है जो बहुत आम, आरामदार, सादा और पुरसकून हो। ऐसे लोग सादा, हल्के और गैर नुमाए किस्म के डिज़ाइन और रंग पसंद करते हैं जो मधुम हो और इन पर किसी की सरसरी निगाह ना पड़े, यानी कि वो थोड़े शर्मीले होते हैं और वो नहीं चाहते कि हर एक की निगाह का वो मरकज बने, तो इसलिए वो ऐसे कपड़े या लिबास के इंतखाब करते हैं कि जो दूसरों को अट्रैक्ट ना करें। भावकार संजीदा और मतीन शख्सियत, ऐसी शख्सियत के लोग ज़्यादातर संजीदा कामों और रवायती कदरों के हामिल होते हैं, इनकी फितरत में चुलबुलापन बिल्कुल भी नहीं होता। लिबास के इंतखाब में ऐसे लोग नहायत सोबर रंग और सादा तराश तराश वाले लिबास अपनाते हैं और ज़्यादा रैश और सजावट से इज्तनाब करते हैं, जो अपने सूटों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन या फूल वगैरह लगाने से इज्तनाब करते हैं, मुनासिब नहीं समझते। तेज और गहरे रंग के लिए छह नहीं लगते, ये आमतौर पर काले, नीले, सब्ज और दीगर दरमियाने रंगों को पहनना पसंद करते हैं। इनके लिबास की सिलाई ज़्यादा ढीली या ज़्यादा फिटिंग वाली नहीं होनी चाहिए। हल्के रंगों के डिज़ाइन वाले लिबास इनकी शख्सियत के वकार में इजाफा करते हैं। लास्ट नंबर पर जिंदा दिल और शोर शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिंदगी के में आमतौर पर रोशन पहलू देखने की आदि होती है, इसलिए इसको ऐसा लिबास इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनकी शख्सियत में निखार पैदा हो, क्योंकि ये खुश मिजाज, हंसते और मुस्कुराते रहते हैं और अपने शौक और जिंदा दिल तबीयत के पेश नज़र बहुत फुर्तीले होते हैं, इसलिए शौक जितने डिज़ाइन और खुशनुमा शिदाकारी वाले लिबास से इनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। बेटा जी, आज आपको मैंने पढ़ाया है कि शख्सियत नफ्सियाती एतबार से कितनी इकसाम की होती है और क्या क्या किस किस्म का लिबास पहनना पसंद करती है। आगे है रस्म और रिवाज के मुताबिक लिबास का इंतखाब। हर मुल्क को लगे के रहने से हमें ओढ़ने पहनने और खाने पीने के मखसूस रस्म और रिवाज होते हैं। इंसान का माहौल और इसकी तहजीब और सकाफत इस मुल्क की रस्म और रिवाज और लिबास पर असर अंदाज होता है, यानी कि इंसान को पता होता है कि वो किस मुल्क का रिहायशी है, उस मुल्क में खाना पीना पहनने का कौन सा लिबास है, इसलिए वो लिबास भी उसी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। लिबास की मदद से किसी भी फर्द के मुल्क, कौम और उसके तबके का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
जैसे कि पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज है, इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रहने वाले लोगों का लिबास की कदरें मुख्तलिफ है, यानी कि पंजाब के लोगों का लिबास शहर के लोगों से मुख्तलिफ है, पंजाब के लोगों का लिबास उनकी तहजीब तमद्दुन के मुताबिक है, सिंध के लोगों का लिबास उनकी तहजीब तमद्दुन के मुताबिक है, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग रहते हैं वो अपनी रवायात के मुताबिक लिबास पहनते हैं। इसलिए लिबास के इंतखाब में इन सब बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है कि हमें कैसा लिबास पहनना चाहिए और किस इलाके से वाबस्ता है हम, तो उसके रवायात के मुताबिक हम लिबास पहनें। बेटे जी, आपका आज का ये यहाँ पे काम मुकम्मल होता है। सफ़ा नंबर 65 से लेकर 67 तक आपने इस सारे काम को रिवाइज करना है और फिर इसको अच्छे से याद करना है। इसके साथ ही आज का हमारा काम मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे द डेट इज़ 11 अगस्त 2020 एंड द डे इज़ ट्यूसडे। जमात तहम स्कूल है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो करेंगे वो हदीस नंबर 19 है, उसका हम लोगों ने प्रॉपर तर्जमा और तशरीह करनी है, जो कि सफ़ा नंबर 49 पे है। हाँ, हदीस नंबर 19, ठीक है जी। और इसमें क्या है, ये जो टॉपिक यानी कि हदीस है वो असबियत के बारे में है। तो असबियत क्या है, ये इस हदीस में बताया गया है। देखे जी, वर्ड टू वर्ड तर्जमा, वासिलातुलस्का, यानी कि ये सहाबी का नाम है, सहाबी का नाम वासिलातुलस्का, काला मीन, उन्होंने कहा या ए रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, मा असबियातुन, असबियत क्या है। काला, आप सल्लम ने फरमाया, अन तू, इन्ना, ये कि तू मदद करे, कौम का, अपनी कौम की, अलल जुल्म, जुल्म करने में। यानी कि इसका तर्जुमा देखें, वासिलातुल अस्का ने दरियाफ्त किया, ए रसूल, ए अल्लाह के रसूल, असबियत किसे कहते हैं। आप सल्लम ने फरमाया ये कि तू जुल्म करने में अपनी कौम की मदद करें। तशरीह में देखें, इस हदीस मुबारक में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबियत की तारीफ बयान फरमाई है। हजूर सल्लम ने फरमाया कि असबियत अपनी कौम, ख़ानदान या वतन से मोहब्बत करने का नाम नहीं, बल्कि इस बात का नाम है कि तू जुल्म करने में अपनी कौम की मदद करे और कौम की मोहब्बत तुझे इस कदर अंधा कर दे कि तू जुल्म में भी इसकी मदद करने को जायज़ समझे। वैसे अपनी कौम से मोहब्बत कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो फितरत के तकाजों के ऐन मुताबिक है। तासुब जैसे बुरे मफहूम में लिया जाता है वो यही है कि अपनी कौम का बुरा काम भी अच्छा मालूम हो और दूसरे की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ नज़र आए। ऐसे तासुब से परहेज करना ज़रूरी है। इसके मुकाबले में अदल व इंसाफ का दामन पकड़ना चाहिए। इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि जुल्म की मुखालफत की जाए, ख्वाह ज़ालिम कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, हम वतन हो या हम मजहब। असबियत या तासुब के नतीजे में तरह तरह की खराबियाँ देखने में आती हैं। जब यह फितना किसी माशरे मुल्क या कौम में सर उठाता है तो बेगुनाह तबाही, बर्बादी और कतरो गारत का मौजब बनता है। दुनिया अक्सर जिन दो आलमी जंगों की हलाकत खेजियों में मुब्तला और दो चार हो चुकी है, इन पर पसे पड़ता असबियत का जहर कर फरमा नज़र आता है। असबियत में मुब्तला होकर हर मुल्क दूसरे मुल्क को और हर कौम दूसरी कौम को नीचा दिखाना चाहती है और इसे अपने जुल्मों से तंग का निशाना बनाती है। इसके पेश नज़र खुद इंसाफ या सदाकत का कोई मेयार नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपने मुल्क या अपनी कौम को मेयार बनाती है। अगर अपना मुल्क या अपनी कौम जुल्म चाहती है तो उसकी मुसम्मत करने के बजाय उल्टा इसी की ताहिद व तहसीन की जाती है और दूसरी मुल्क या कौम के पेशे करदा किसी मेयार शराफत हक व सदाकत को तस्लीम करने से इनकार किया जाता है। यानी कि अगर कौम जुल्म ढाती है, यानी कि उस पर कोई मुसम्मत करे, कोई उसको बुरा भला कहे, तो लोग उसको उसकी यानी कि उसको सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, यानी कि उसके बारे में कोई कदम नहीं उठा सकते। जबकि असबियत और तासुब का मुकम्मल तौर पर सदभाव और खात्मा ना हो जाए, दुनिया में किसी सूरत अमन व अमान कायम नहीं हो सकता।
इस्लाम ऐसी असलियत के सख्त खिलाफ है। इसके बरक्स इसकी तालीम ये है कि हमको इंसाफ और सदाकत की हमायत की जाए। तो इसका इजहार मुखालफत कौम या मुल्क से हो और जुल्म और बातिल और झूठ की हर सूरत में मजम्मत की जाए। तो आप अपने मुल्क के अपनी तरफ से ज़रूर में हो। ठीक है क्लास, आज हम लोगों ने असलियत के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है, इसकी तश्री भी देखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अहदीस के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज़ मैथ, क्लास 10th आर्ट्स। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। 3.1 से ऑनवर्ड 3.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 3.3 में हम लोगों ने SCF, LCM बाय डिवीन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट किया था। अभी जो 3.4 है इसमें आप डिवीन मेथड भी फॉलो करोगे, लेकिन साथ एक फार्मूला है जिसे कहा जाता है रिलेशन बिटवीन, या फार्मूला बिटवीन HCF एंड LCM, तो वो फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पे। अगर तो आपके पास तो दो पेयर्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं फॉर द LCM एंड HCF, अगर तो उनमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप उनको फैक्टराइज करके उनका HCF फाइंड आउट कर ले, विच इज़ कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर उनके अंदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप मूव करेंगे डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन से आप फिर उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे जो मैं भी आपको बताऊँगी, रिलेशन जो है HCF एंड LCM का, उसके थ्रू फिर आपने LCM फाइंड आउट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला बिटवीन LCM एंड HCF, ये क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स या एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना तो आपको LCM फाइंड आउट दिया है ना आपको HCF फाइंड आउट दिया है, क्योंकि ऊपर मेंशन है कि फाइंड आपने इन्हीं को करना है। तो इट्स नीड दैट कि दोनों आपको एक्सप्रेशन दिए हैं। लेट्स सपोज एक्सप्रेशन ए है, ये एक्सप्रेशन बी है, तो आपने इन्हीं के थ्रू आपने HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। अगर तो कोई एक चीज़ यहाँ पे स्किप होती, मतलब कोई एक चीज़ मिसिंग होती, आपको HCF भी बताया होता, LCM बताया होता, और क्या होता कि आप पॉलीनोमियल फाइंड आउट करें और एक पॉलीनोमियल भी बताया होता आपके यहाँ पे दो पॉलीनोमियल्स दिए ना आपको, लेट्स सपोज कि फर्स्ट पॉलीनोमियल पता होता और ये दो चीज़ें पता होती, तो आप इसी के थ्रू भी फाइंड आउट कर लेते सेकेंड एक्सप्रेशन। इसको यहाँ मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड में इनकी सॉल्व आउट करते हैं, इनको कैलकुलेशन वगैरह करके डिवीजन करके, तो आपके पास एक्सप्रेशन भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें पता है और दो चीज़ें अननोन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन का LCM तो फाइंड आउट नहीं कर सकते पहले, क्योंकि पहला जो आपके पास है स्टेप नंबर 1 HCF को आता है। HCF के थ्रू ही आप LCM फाइंड आउट करते हो, तो मुझे यहाँ पे HCF फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशन को या तो डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, या सेकेंड ऑप्शन के लिए कि मैं इनको फैक्टराइज कर लूँ। तो डिपेंडेंट कंडीशन के फैक्टर्स आपके पास बनते हैं या नहीं बनते, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूँ तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स एंड 1 है। अगर मैं इन दो की पेयरिंग कर लूँ, फर्स्ट टू की और लास्ट टू की, तो यहाँ पे पॉसिबल 1 है, एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, एक्स प्लस 1 रह जाएगा, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, तो एक फैक्टर एक्स प्लस 1 बन जाएगा और एक यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे 1 भी है फैक्टराइजेशन करने की। तो मैं यहाँ पे जो मेथड फॉलो करूंगी फॉर द HCF वो क्या होगा? बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन विच इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फर्स्ट टू पेयर, लास्ट टू पेयर, फर्स्ट टू में जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस, इसके अंदर से फिर आप लेके जाए यहाँ पे क्यूब था, स्केयर आपने कॉमन एरिया मेनिंग से 1 पावर प्लस यहाँ पे पूरा स्केयर आपके पॉइंट कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेनिंग थी तो
बनाना जाएगा। आप हमेशा कॉमन वो चीज़ लेनी होती है जो दोनों में से सेम हो, और हमेशा सेम हो चीज़ जो सबसे छोटी होती है। 3 और 2 पावर में छोटी पावर जो थी वो 2 थी। इट्स मीन दैट टू दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है एंड 2 इज कॉमन। नेक्स्ट वाले में एक आपके पास वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वन है, सॉरी कॉन्स्टेंट वन है, तो इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो आप जस्ट वन लिखेंगे और उसकी पेयरिंग कर लेंगे एक्स प्लस वन। यहाँ से एक्स प्लस वन दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, इसको लिखने वन टाइम एक्स प्लस वन, और ये जो है सेकेंड फैक्टर बन जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो यहाँ पे इनकी हो जाती है कंप्लीट फैक्टराइजेशन इस एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इसमें से भी दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी x पावर 3 और x पावर 2 है, सिर्फ साइन का चेंज है, तो आप यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर रिमेनिंग है x माइनस वन और यहाँ से प्लस वन, रिमेनिंग है अगेन x माइनस वन। दोनों में से ये दोनों फैक्टर्स कॉमन हो जाएगा x माइनस वन, और ये आपके पास x स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से इनकी भी हो जाती है कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन फैक्टर्स का होता है, एंड वी नो दैट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, एलसीएफ होते हैं। सो यहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड वी नो दैट कॉमन फैक्टर्स एलसीएफ, सो एलसीएफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बुक के लिए अपनी फॉर्मूला भी दिया था, रिलेशन जो आपने बनाया था, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके अंदर अब हमें ये तो ऑलरेडी गिवन थे, यहाँ से हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, अब रिमेनिंग जस्ट ये है, तो ये इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कैसे होगा कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम सेपरेट करके अंदर क्या आ जाएगा इसके इक्वल ए इंटू बी बाय एचसीएफ, बिकॉज ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस रिलेशन के लिए हम लोग पुट करें, सो एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड सेकेंड जो आपके पास आर है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास वो है एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वन। इस मैथड के थ्रू भी कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को इसका डिवाइड कर दे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आपका एलसीएम होगा। लेकिन सेकेंड मैथड ये है कि आप अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं तो उसी रूल को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास एलसीएम होता है वो क्या होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स वो है आपके पास x प्लस वन एंड x माइनस वन, एंड वी नो दैट एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ से x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज द कॉमन, एंड यहाँ से x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आर द नॉन कॉमन। तो इनको अगर किया जाए सॉल्व तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन फॉर्मूला क्लोज करवा रहा है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। मजीद अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज एक्स फोर माइनस वन, ये आपके पास एलसीएम आ जाता है।
अगर हम यहाँ पे इसके थ्रू करें सॉल्व तो ये आपने इसको इसके मजीद सिंप्लीफाई किया, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो वो था आपके पास x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको भी जब आपने किया तो इसके अंदर आपके पास दवाई था उसको एक्स माइनस वन फैक्टर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। नीचे आपके पास जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर प्लस वन था। अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर लूँ तो ये बन जाता है अगेन वही फॉर्म मिलती है जो हमने लोन को मैंने देखी थी x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मूला जैसे पहले बताया था आपको क्लोज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग a जो है वो x है, b आपके पास 1 है एंड जो लास्ट एक्सप्रेशन में वह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगेन फर्स्ट हम दोनों की सेम हो रही है, सेकंड की सेम हो रही है, फॉर्मूला क्लोज होगा विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इस सिचुएशन में जो ए है वो एक्स का स्क्वायर है और बी जो है वो वन है तो बनेगी फॉर्म एक्स फोर माइनस वन। सो दोनों मेथड से आपके पास जो एलसीएम आता है वो एक्स फोर माइनस वन आता है। चाहे तो आप अगर वो जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उन पर डिपेंड करता है उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप उनको बाय फैक्टराइजेशन ही एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करें जैसे आपने 3.1 3.3 में किया था। लेकिन अगर इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो आप फॉर्मूला रिलेशन को यूज करके आप तब भी इनका एलसीएम एंड एलसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है मेंशन है स्टेटमेंट फाइंड एलसीएम एंड एलसीएफ इसमें कई जगह पे ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आप मेथड कौन सा फॉलो करें, डिवीजन लगाएं, रिस्ट्रिक्शन नहीं आपको। तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी इसमें अप्लाई करें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं जहाँ पे हमें कंप्लीट डिवीजन करनी है एलसीएम के लिए भी और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए भी, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अभी। सो मैंने यहाँ पे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डिवीजन मेथड जहाँ पे अप्लाई किया जाता है थ्रू आउट एचसीएफ के लिए भी और एलसीएम के लिए भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो एक्सप्रेशन को ए और बी नाम दें, कोई भी लेबलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन आपके पास जो फॉर्मूला है रिलेशन है उसमें ए एंड बी मेंशन है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी। आप कंसीडर करें इनमें से, कंसीडर फर्स्ट जो है आपके पास एक्सप्रेशन वो ए है 2x पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब माइनस 13x प्लस स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15। ये आपके पास ए है एंड जो आपके पास बी है इट इज 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 20x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 24। इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों एक्सप्रेशन में, ऑलमोस्ट इक्वल ही पावर्स हैं। तो हमारे पास अब हमने डिविडेंड और डिवाइजर सेलेक्ट करना है कि जैसे हम किसको एज अ डिविडेंड का सिलेक्ट करें और किसको हम एज अ डिवाइजर ट्रीट करें। तो हमेशा यही होता है कि जो के पास दोनों के कंपैरिजन में बड़ा होता है वो डिविडेंड बनता है। पावर्स तो सेम है, 4 यहाँ पर लेकिन 3x³ और यहाँ पे 1x³ है, इट्स मीन दैट 3 बड़ा है तो a इज अ डिविडेंड इन दिस सिचुएशन। 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 13x² माइनस 7x+15। अब यहाँ पर देखा जाए b में तो 2x⁴ प्लस x³ माइनस 20x² माइनस 7x+24 इज द डिवाइजर। अब फर्स्ट क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप माना क्या होता है कि हमने कैंसिलेशन करनी होती है फर्स्ट टर्म की फ्रॉम द डिविडेंड डिवाइजर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके, तो अब यहाँ पे दोनों सेम ही है 2x⁴ बाय 2x⁴ साइन भी सेम है प्लस प्लस का तो हमें जस्ट 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं 1 के साथ करूँ मल्टीप्लाई तो ये फुल टर्म मैसेज आती है। अब जो टर्म जिसके साथ ट्राई करती है उसके साथ आप उसे लिखेंगे, इन केस के ऊपर कोई टर्म नहीं आती जो उसके साथ इक्वल हो तो आप उस टर्म को बिल्कुल साइड पे लिखोगे एंड में। लेकिन यहाँ पे सभी की वेरिएबल्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे साइन चेंज करना, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस,
माइनस दो से प्लस एंड प्लस दो टू माइनस, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, थ्री में से आएंगे तो टू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, ट्वेंटी में से थर्टीन कैंसिल करें तो आपके पास आ जाता है सेवन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेवन एक्स माइनस में सेवन एक्स प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल, और अब आपके पास जो लास्ट है वो आ जाएगा, अगर मैं ट्वेंटी फोर में से करूँ माइनस फिफ्टीन तो आ जाता है नाइन, और साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा विच इज ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर के साथ माइनस था तो नाइन के साथ भी माइनस लिखा जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगेन आप कंपेयर करते हो जिसको आपने डिविडेंड बनाया था, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप कंपेयर करोगे अगेन अपने बैठे के राजे के साथ, जो इस सिचुएशन में आप बड़ी होगी वो डिविडेंड बन जाएगी और दूसरी वाली डिवाइजर। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये छोटी वैल्यू हो चुकी है, छोटा एक्सप्रेशन हो चुका है क्योंकि यहाँ पे पावर थ्री है, और ये बड़ा हो चुका है क्योंकि यहाँ पे पावर फोर है, तो हम इसको फिर इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज जब करेंगे तो ये जो आपके पास था डिविडेंड वो आप डिवाइजर की फॉर्म देगा, और जो आपके पास डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड यूज होगा। सो ये वाली फॉर्म है। अब हमें टू एक्स पावर फोर लेके आना है, टू भी है एक्स भी है पावर थ्री है और यहाँ पावर फोर है, जस्ट पावर का डिफरेंस आ रहा है, तो आप रफर में इस डिवाइजर को एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स पावर थ्री प्लस सेवन एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन को एक्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा टू एक्स पावर फोर प्लस सेवन एक्स का क्यूब माइनस नाइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने यही फर्स्ट टर्म जो है वो सेम कर ली, और इससे यही हमारा पर्पज होता है कि हमने फर्स्ट टर्म को सेम करके कैंसिलेशन करनी होती है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, टू एक्स पावर फोर इन केस के लाइक टर्म्स नहीं है तो आप क्या करेंगे इसको एंड लिखेंगे, क्यूब की टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करी तो सेवन एक्स क्यूब को आप एंड में लिखें विद द साइन ऑफ प्लस, और माइनस नाइन एक्स जो है वो एक्स टर्म के साथ लिखा जाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने करनी है अगेन इनकी कैंसिलेशन, तो प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस, प्लस गोज टू माइनस, साइन चेंज किए पर प्लस क्या था कि कैंसिलेशन हो जाए अपोजिट साइन के साथ, आप जो आपके पास अरेंज करें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में सेवन एक्स क्यूब जो है वो स्टार्ट में ले आए, माइनस ट्वेंटी एक्स का स्क्वायर ऐसे नीचे आ जाएगा क्योंकि इस प्लस भी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, प्लस माइनस 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 सेवन भी तो आपके पास आ जाता है प्लस टू और प्लस ट्वेंटी फोर एज इट इज। अब जो आपके पास नया एक्सप्रेशन बना है वो ये बना है, अब अगेन आप उनको जरा कंपेयर करें तो कंपैरिजन के थ्रू चेक करें कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा है। सॉरी यहाँ पे जो एक टर्म थी क्यूब वाली मैंने सिर्फ कट था सेपरेट क्योंकि मुझे ऊपर लगा था कि यहाँ पे कोई क्यूब का टर्म या एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स क्यूब एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने इसको सॉल्व किया, अब यहाँ पे सेवन एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ तो ये साइन चेंज करने की बात बिना माइनस सिक्स एक्स क्यूब बिकॉज प्लस माइनस माइनस सेवन माइनस वन इक्वल्स टू सिक्स। अब अगेन देखिए इनको कंपेयर तो आप यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिक्स है और यहाँ पर टू है तो जरूरत नहीं इंटरचेंज करने की, ऑलरेडी आपके पास बड़ी टर्म है, लेकिन अब आपने डिवाइजर को माइनस सिक्स एक्स क्यूब के इक्वल तो करना है, माइनस सिक्स क्यूब कैसे बनेगा जब आप टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को इक्वल करेंगे माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू सर सिक्स और प्लस माइनस माइनस थ्री सेवन सर ट्वेंटी वन एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री नाइन सर ट्वेंटी सेवन ये फॉर्म देगा। ठीक है, अब आपने किससे किया था मल्टीप्लाई माइनस थ्री के साथ तो फॉर्म क्या दी इसने माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी वन एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन करें कि कैंसिलेशन प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस और प्लस गोज टू माइनस ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करेंगे जैसा माइनस बचेगा एक्स का स्क्वायर यहाँ से प्लस टू एक्स और यहाँ से माइनस थ्री। अब जो नया एक्सप्रेशन बना है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बना। अब अगर किया जाए कंपेयर इस बाय के डिवाइजर के साथ विच इज टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन
तो ये जो है एक छोटा हो जाता है एक्सप्रेशन और बड़ा, तो फिर आप ये इनको इंटरचेंज करके नेक्स्ट सेगमेंट की बिगिनिंग करेंगे। इंटरचेंज ऐसे होगा कि जो एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री है ये बनेगा डिवाइजर, और ये टू एक्स का क्यूब प्लस सेवन एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन बनेगा डिवाइडर। अब हमें एक्स स्क्वायर से टू एक्स क्यूब बनाना है तो वी हैव टू डिवाइड विद द डिवाइजर। जब हमें टू एक्स क्यूब चाहिए तो सॉरी हम मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स के साथ, बिकॉज स्क्वायर और वन मिलकर क्यूब बन जाएंगे और टू वन जार टू हो जाएगा। सेम आपके पास समान जाएगी टू एक्स क्यूब प्लस टू जार फोर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा माइनस थ्री टू जार सिक्स एक्स, हमने वन बाय वन को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसको मेंशन करें टू एक्स का क्यूब प्लस फोर एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, एंड कर लीजिए क्योंकि ऊपर एक्स का कोई एक्सप्रेशन या सॉरी एक्स की कोई टर्म नहीं, प्लस गोस टू माइनस प्लस गोस माइनस माइनस गोस टू प्लस, हमने साइन चेंज किए फर्स्ट हो गया कैंसिल, सेकेंड में लिखा आपके पास थ्री एक्स का स्क्वायर बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड सेवन माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री, यहाँ से सिक्स एक्स आ जाएगा और यहाँ से माइनस नाइन। अब अगर किया जाए इन दोनों को कंपेयर तो फिर भी ये आपके पास बेटर वैल्यू है, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इनको कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे होगा, थ्री एक्स का स्केयर है और बाहर आपके पास एक्स का स्केयर है, ऑब्वियसली आपको थ्री एक्स स्केयर बनाने के लिए एक्स स्केयर को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो थ्री एक्स का स्केयर प्लस थ्री टू जो सिक्स एक्स माइनस नाइन, ये तो सेम आ चुका फुल कम्प्लीट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये थ्री एक्स का स्केयर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन लिखा। देन नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद इन सब की कैंसिलेशन हो जाएगी एंड रिमाइंडर इज नथिंग। एंड वी नो दैट बाय कंप्लीट लॉन्ग डिवीजन लास्ट डिवाइजर जो कि इस पूरे डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसे कहा जाता है कि ये हमारा एस सी एफ है। एस सी एफ इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। तो अभी हमें क्या करना होगा, एस सी एफ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, रिकॉल करिए अपना फॉर्मूला रिलेशन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इक्वल्स टू द एल सी एम इंटू एस सी एफ। अब हमें तीन चीज़ें पता चल चुकी हैं, दो ऑलरेडी पता थी, यहाँ से फाइंड आउट कर लें लास्ट रिमेनिंग जो है वो एल सी एम है। अगर इसको अरेंज किया जाए तो एल सी एम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बाय एस सी एम, तो इसके थ्रू आप अभी एल सी एम फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन आपको डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने स्टार से डिवीजन को ही फॉलो किया है, ये क्वेश्चन थ्रू और मैं आपको डिवीजन के साथ ही रहूँगी ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन की सिचुएशन देखते हुए कि अब इस क्वेश्चन में हमें आइदर करनी है फैक्टराइजेशन या हमने डिवीजन के थ्रू फुल क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन जो फर्स्ट हमने किया वो बाय फैक्टराइजेशन किया, अभी जो ये कर रहे हैं ये बाय डिवीजन कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इनमें वैल्यूज पुट करके इनकी अगेन एलसीएम के लिए डिवीजन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जो जो वैल्यूज मुझे पता थी मैंने यहाँ पे पुट कर ली, मैंने ये एक्सप्रेशन पुट किया, मैंने बी एक्सप्रेशन पुट किया और नीचे जो एच सी एफ था मैंने भी फाइंड किया था जो मैंने पुट किया। अब आपके पास ये जो फॉर्म बन रही है ये इस तरह की फॉर्म बन रही है कि ए इंटू बी बाय ए, ये आपके पास कुछ भी है टर्म। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से ए कैंसिल हो रही है तो बी रिमेनिंग आएगा और बी आपके पास एल सी एम होगा। तो बताने का मकसद इसमें ये है कि अगर आपकी इन दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक के साथ से कटिंग हो रही है तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी को भी यूज करके इसके साथ इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाए, लेकिन आपने वो एक्सप्रेशन चूज करना है जिससे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो रिड्यूस से रिड्यूस फॉर्म आपको मिले, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब यहाँ पे आपकी ओपन चॉइस है, आप जिससे मर्जी सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसके साथ की जाए क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंपल सिंपल सी वैल्यूज है तो जल्दी हो जाएगी कंप्लीट हमारे पास डिवीजन, तो मैं इसको और इसको डिवाइड करती हूँ आपस में। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है डिवीजन, सो
फॉर द एलसीएम डिवाइजर आपके पास बाय डिविडेंड आप अंदर रखेंगे और फिर इनकी डिविडेंड आपने कंप्लीट कर लिया है। ये एक्स का स्केयर आपको चाहिए 2x पावर 4, तो एक्स स्केयर को किस किस साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा कि आपको 2x पावर 4 मिल जाएगी। नफर में आपको सेकेंड होगा, ऑब्वियसली आपको 2x स्केयर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। हमारे पास है जी डिवाइजर x² + 2x - 3, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 2x स्केयर। 2x² क्या हो जाएगा, सॉरी x² क्या हो जाएगा 4, एंड 2 × 2 प्लस 2 × 4 x³ - 3 × 2 = 6 x² अब इनको पुट कर लें, यहाँ पे आ जाएगा 2x² 4 प्लस 4x³ - 6 x². साइन चेंज होती कैंसिलेशन, ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 4 - 1 = 3, लेकिन 4 के साथ साइन माइनस किया तो जो साइन वही पहले को आता है प्लस माइनस में वही रह जाता है, -3x³ आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -14x² बिकॉज 20 - 6 = 14, यहाँ पे -7x एज इट इज रिपीट करेंगे और यहाँ से 24 भी एज इट इज आपके पास नीचे आ जाएगा। अब भी आप कंपेयर करें तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है डिविडेंड को डिविडेंड ही रहेगा और डिवाइजर डिवाइजर रहेगा, बिकॉज 2 पावर 3 और √5 पावर 2 है तो पावर छोटी है बाय, तो ये देख ही रहेगी। अब आपको -6³ में क्या है स्केयर के साथ आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे अभी -3 को और 7x को, -3 × 1 = -3 एंड x² = x³ 10 - 2 = 6 x² - -3 = 9x, तो ये वाली फॉर्म बनेगी। अब इसमें आप देखिए मल्टीप्लिकेशन हमने किससे किया है -3x के साथ और ऊपर किससे की थी हमने 2x² के साथ, ये साइड का मेजर करना है। यहाँ 3x³ - 6x² + 9x -(-)+(-)+(-)-, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -8x² यहाँ से बनेगा -9 + 7 = 14 और 14 + 2 = 16 -16x आ जाएगा +24। अब अगेन कंपैरिजन के थ्रू चेक किया जाए तो इंटरचेंज नहीं करेंगे एज इट इज रहेंगे डिवाइजर और डिविडेंड, क्योंकि आपके पास 8x² इज मोर देन x² तो x² + 2x - 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइजर है अगर -8 भी बनता है -8x² - 16x + 24, तो ये फुल एक्सप्रेशन सेम आ जाता है विद सेम साइन फॉर साइन चेंज करने के बाद उन सबकी कैंसिलेशन, तो हमारी जो यूनियन है फॉर द एलसीएम वो भी कंप्लीट हो जाएगी। कैंसिल आउट करने के बाद रिमाइंडर इज नथिंग एंड अब जो आपके पास मेंशन किया जाएगा इस फॉर्मूला के अंदर फॉर द एलसीएम, ये तो फर्स्ट आपके पास स्पेशल एंसर आ गया क्योंकि इसको आपने बिल्कुल साथ यूज नहीं किया, -13x² - 7x + 15 × अब आपने लास्ट डिवाइजर जो था उससे एलसीएम इन दोनों कंसीडर नहीं करना डिवाइड करके आपने बल्कि क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस क्या बने थे आपके यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था वो -8 था, सो क्वेश्चन हमारा बिना 2x² फर्स्ट वाला -3x² 3x सेकंड वाला एंड -8 थर्ड वाला, ये आपके पास कंप्लीट एलसीएम है। अब यहाँ पे हमने लास्ट डिवाइजर नहीं लिखा बिकॉज एक्सीएम भी फाइंड करें आप एलसीएम फाइंड करें और डिवीजन यूज करें तो वो क्वेश्चन ही होता है जो ऊपर आप डिवीजन करके लेके आते हैं। इस साइज की जो फर्स्ट से ऑनवर्ड 8 तक जो पार्ट्स हैं ये सारे आपका डायरी भी है और आपकी होम असाइनमेंट भी है, ठीक है।
और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 8 पार्ट जो है वो इसी मेथड को लेके आप सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको समझ आया होगा एंड अल्लाह हाफिज़।